Good morning, students. I am your English teacher. In previous video, we read page number 3 of chapter 1, An Oily Mess. In this video, we will continue the same chapter from page number 4. I hope you have understood that I studied you in page number 3. Let's start reading from page number 4. Neither Suma nor father and grandma would object to his coming barefoot and in his pajamas. The dalia looked rather gluey. Vishrut took a slice of toast, scraped off the charcoal and began to eat. Grandma grimaced as she tried to eat the dalia, which stuck steadfastly to her spoon. "Why is it so lumpy?" she asked. "I cooked it exactly as mother showed me," said Suma. "Looking rather hard, very tasty," said father bravely. "It's the tastiest dalia I have ever had." तो पेज नंबर 3 में हमने पढ़ा कि एक लेडी जो अपनी फ्रेंड के घर जाती है तो पीछे से उसका जो परिवार है कैसे अपने डेली रूटीन को मैनेज करता है. संडे का जो ब्रेकफास्ट है वो उसकी जो डॉटर होती है सुमा वो बनाती है, और जो उसका बेटा होता है विशरत, क्योंकि उसके मदर घर पर नहीं थी तो वो काफ़ी देर तक बेड पर ही लेटा रहता है. और जब उसकी सिस्टर किचन से आवाज़ देती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है तो वो विद इन 1 सेकेंड अपने परिवार को ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन कर लेता है. अब उससे आगे वो बिना नंगे पैर ही अपने बेड से आ जाता है और पजामे में ही वो जो ब्रेकफास्ट टेबल होता है उस पर आ जाता है. तो उसके इस तरह आने पर ना तो उसकी सिस्टर सुमा ना ही उसके फादर और ग्रैंडमा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते. तो जो सुमा थी उसने दलिया बनाया था और कुछ टोस्ट को रोस्ट किया था उसने ब्रेकफास्ट में. द दलिया लुक रादर ग्लूई, ग्लूई होता है हमारा ग्लूई होता है चिपचिपा. जो दलिया था वो बहुत चिपचिपा बना था, और क्योंकि जो सुमा ने बनाया था टोस्ट वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रोस्ट हो गया तो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैकपन आ जाता है. तो जो विशरत उसका ब्रदर होता है वो एक स्लाइस जो ब्रेड की उठाता है वो थोड़ी सी चारकोल होता है कि वो थोड़ी ब्लैकिश हो गई थी तो वो उसे खाना शुरू कर देता है. ग्रैंडमा ग्रिमेज्ड एज शी ट्राइड टू ईट द दलिया विच स्टक स्टेडफास्टली टू हर स्पून. और जो ग्रैंडमा होती हैं ग्रिमेज्ड होता है बिना मन से, ग्रिमेज्ड बिना मन से वो उस दलिए को खाना शुरू कर देती हैं जो कि बुरी तरह से उनके स्पून पर चिपका हुआ था. स्टेडफास्टली मीन्स पूरी तरह से जो उनके स्पून पर चिपका हुआ था. वाई इज़ इट सो लंपी शी आस्क्ड, वो सुमा से क्वेश्चन करती हैं कि इतना लंपी, लंपी मीन्स होता है चिपचिपा, ये इतना लंपी क्यों बना है. आई कुक्ड इट एग्जैक्टली एज मदर शोड मी, सेड सुमा लुकिंग रादर हर्ट. और सुमा जो है अपनी दादी की बातें सुनकर बहुत ही हर्ट हो चुकी थी तो उसने बोला कि जैसा कि मदर ने मुझे दिखाया था मैंने वैसा ही इसे बनाने की कोशिश की है. वेरी टेस्टी सेड फादर ब्रेवली, जो फादर थे उन्होंने बहादुरी के साथ कहा ये बहुत टेस्टी है. इट्स द टेस्टीस्ट दलिया आई हैव एवर हैड, और ये इतना टेस्टी दलिया उन्होंने कभी पहले नहीं खाया. यू वुड बेटर गेट मी अ बॉटल ऑफ मेडिसन फ्रॉम द केमिस्ट, रंबल ग्रैंडमा पुशिंग अवे द हाफ फिनिश दलिया जस्ट इन केस आई गेट इनडाइजेशन. तो दादी माँ कहती हैं कि उन्होंने वो दलिया आधा ही फिनिश किया और उसे एक तरफ खिसका दिया और कहा कि ये अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए एक बोतल जो है मेडिसिन की केमिस्ट से ला दो, अगर इन केस ऑफ डाइजेशन, अगर मुझे इनडाइजेशन होती है बदहजमी, जब हम कुछ चीज़ पचा नहीं पाते तो अगर मुझे इन केस अगर इनडाइजेशन हो जाती है तो मुझे एक बोतल तुम दवाई की ला देना. सुमाज लोअर लिप ट्रेम्बल्ड, शी विल बर्स्ट इन टू टीयर्स एनी सेकेंड नाउ, थॉट विशरत. विशरत जो था विशरत को पता लग गया था कि जो उसकी सिस्टर है वो हर्ट हो चुकी है और वो अगले सेकंड ही रोने वाली है. बर्स्ट इनटू टीयर्स मतलब रोने वाली है. सुमा कैन आई हेल्प विद वॉशिंग अप, ही आस्क्ड टेकिंग अप प्लेट्स, ही लाइक्ड प्लेइंग विद सोप सड्स एनी वे एंड मदर रियली लेट हिम, डिडंट ट्रस्ट हिम मच. तो वो सुमा से बोलता है विशरत की क्या मैं तुम्हारी बर्तन धोने में हेल्प करता हूँ, और उसने
प्लेट्स को इकट्ठा करते हुए बोला, स्टेकिंग होता है प्लेट को इकट्ठा करना, सॉरी, तो स्टेकिंग वो जो होता है वो प्लेट इकट्ठा करना, तो उसने प्लेट्स को इकट्ठा करते हुए बोला। ही लाइक टू प्लेइंग विद, और उसे जो सोप की झाग थी, सोपसर्स होते हैं सोप की झाग, उससे खेलना उसे बहुत पसंद था, और उसकी मदर उसे रेयरली ही, कभी कभी ही ऐसा करने देती थी। येस थैंक्स, आई मस्ट गेट ऑन विद माई संडे रूटीन, सेड सुमा, हु वॉज अ ब्यूटी कॉन्शियस 16 ईयर ओल्ड, योगा, जॉगिंग एंड एन ऑयल बाथ। तो जो सुमा थी उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा बहुत धन्यवाद होगा अगर तुम ऐसा कर दोगे, तो इसके बाद मैं अपना डेली रूटीन शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक 16 साल की और ब्यूटी की तरफ बहुत उसका ध्यान था, तो ऐसी लड़की थी जो कि योगा, जॉगिंग और ऑयल बाथ उसने अभी करनी थी। आफ्टर वॉशिंग द डिशेज एंड प्लेइंग विद सोप सर्ड्स टू हिज हर्ट्स कंटेंट, विशरथ वेंट आउट टू जॉइन हिज फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड। आफ्टर अ विग्रस गेम ऑफ फुटबॉल ही वॉज बैक जस्ट इन टाइम फॉर लंच, मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, सो सुमा हैड टू ओनली हीट इट। और जब टू हिज हर्ट कंटेंट होता है, जब तक कि उसका मन नहीं भर गया, विशरथ जो कि वॉश कर रहा था बर्तन, जब तक उसका मन नहीं भर गया वो तब तक उस साबुन की झाग से खेलता रहा और बर्तन धोता रहा, और फिर उसने अपने फ्रेंड को प्ले ग्राउंड में ज्वाइन कर लिया, और वहाँ उसने फुटबॉल, जो फुटबॉल की गेम थी वो उसने खेली, कब तक, जब तक लंच टाइम नहीं हो गया, और वो पूरे लंच टाइम पर घर पहुँच गया। मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, मदर ने पहले ही भोजन बनाया हुआ था, तो सुमा ने सिर्फ उसे गर्म किया था। योर मदर विल बी प्राउड टू हियर हाउ वेल वी मैनेज्ड ऑन आर ओन, सेड फादर, एज दे हैड लंच, आई हैव बोट द ग्रीस फॉर द फ्रंट डोर, आई विल डू द हिंजेस बिफोर शी कम्स, शी विल बी डिलाइटेड। और तुम्हारी मदर के आने से पहले, फादर ने, जो फादर थे वो अभी लंच कर रहे थे, लंच करते करते उन्होंने जो बोला कि जब तुम्हारी मदर आएंगी तो वो बहुत प्राउड फील करेंगी कि ऐसे हमने उसके बाद घर को मैनेज किया, और अब मैं जो फ्रंट डोर, जो सामने वाला डोर था घर का, उसके लिए मैं ग्रीस भी ले आया हूँ, तो मैं उसके आने से पहले उसको ग्रीस कर दूँगा। आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क आई नीड माई ब्यूटी स्लीप, सेड सुमा, योइंग, योइंग होता है झंभाई लेना। तो सुमा ने कहा कि इतने सारे हार्ड वर्क के बाद अब मुझे एक ब्यूटी स्लीप चाहिए, उसने जंभाई लेते हुए, अंगड़ाई लेते हुए बोला। आई विल हैव माय ऑयल बाथ व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठूंगी तो मैं अपना ऑयल बाथ लूंगी। विशेष स्पेंट ए ग्लोरियस अनडिस्टर्ब आफ्टरनून कटिंग अप मैच बॉक्सेस टू मेक थैंक्स, और जो विशरथ था, विशरथ ने अपनी जो आफ्टरनून थी, जो शाम थी, वो बहुत ग्लोरियस तरीके से, ग्लोरियस होता है बहुत ही शान से, अनडिस्टर्ब्ड बिताई, किसको, मैच बॉक्सेस को कट करते हुए, और उसने उन मैच बॉक्सेस का क्या बनाया, एक टैंक बनाया। दे वर एन इम्प्रूवमेंट ओवर द लास्ट संडेज मॉडल, और ये जो टैंक था ये उसने लास्ट संडे बनाया था, उसमें उसने कुछ इम्प्रूवमेंट की थी। सो आई होप द स्टोरी ऑन पेज नंबर 4 विल बी क्लियर टू यू, नाउ यू विल प्रनाउंस सम वर्ड्स विद मी। ग्लूई, वट इज़ दिस ग्लूई, ग्लूई मीन्स चिपचिपा। स्टेड फास्टली, स्टेड फास्टली, रिपीट आफ्टर मी, स्टेड फास्टली, जो पूरी तरह से चिपका हुआ था स्पून के साथ। लंपी, वट इज़ इट, लंपी। इन डाइजेशन, इन डाइजेशन। बर्स्ट, बर्स्ट। स्टेकिंग, स्टेकिंग। सोप सर्ड्स to his heart's content and yawning. So I have given word meaning as PDF in icon study at home. Write word meaning in your English notebook in neat and clean handwriting. Goodbye and stay blessed. Have a nice day. Thank you.